अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ गेसुनाज और आप देख रहे हैं मेरा जीएन लाइफ चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे आसान DIY, घर पे आसानी से बनने वाली ये रेमेडी और ना ज़्यादा खर्चा है इसमें। आपकी रसोई में रखी चीज़ों से बना सकते हैं ये रेमेडी आप। ये उपाय जो मैं आपके चेहरे पर ऐसा ग्लो और चमक लेके आएगी, ये DIY रेमेडी, ये आपके चेहरे को गोरा करेगी, साथ ही ये फेस पे ग्लो भी लाएगी। ये ऐसा ब्लीच है जो नुकसान भी नहीं करेगा आपकी स्किन को। आप बाहर मार्केट में जो देखेंगे, ब्लीच है जो नुकसान भी नहीं करेगा आपकी स्किन को। आप बाहर मार्केट का ब्लीच यूज़ करते हैं पर उसमें कितने सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज की जो रेमेडीज़ है उसके लिए बहुत आसान सा तरीका लेके आई हूँ, एकदम 100% नेचुरल तरीके से घर में तैयार किया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। तो चलिए जानते हैं ये DIY रेमेडी कैसे बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ों को आपको लेना है वो मैं आप लेना है। उसके लिए आप 2 आलू पोटैटो लीजिए, टमाटर का 1 टमाटर जूस निकालने के लिए 2 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच बेसन लीजिए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 नींबू लीजिए, मैं नींबू ले रही हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए नींबू ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उसके बदले गुलाब जल डाल सकती है, मैं अपने लिए नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक आलू लीजिए, आलू को छीलकर अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इसको साफ़ बर्तन में कद्दूकस करें और कद्दूकस करने के बाद साफ़ कपड़ा लीजिए, उसमें आलू का रस निकाल लीजिए साफ़ बाउल में। आलू का रस हमारी स्किन की झुर्रियों को, ड्राइनेस को, डार्क सर्किल को, रेडनेस जो होती है उसको दूर करता है, साथ ही साथ ये स्किन की एंटी एजिंग को भी दूर करता है। आलू का रस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये चीज़ जो लेनी है आपको टमाटर, टमाटर खाने के साथ साथ ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में भी काम करता है, इसका यूज़ किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, विटामिन लाइकोपीन और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये नेचुरल तरीके से चेहरे को ब्लीच करता है। आप एक टमाटर को घिस कर उसका रस निकाल लीजिए। अब इस रस को जो आपने आलू का जूस निकाला था उसी बाउल में आप डाल दीजिए। इसी चीज़ जो आपको लेनी है 1 चम्मच बेसन, इसको बाउल में डाल लें। बेसन हमारी जो मृत त्वचा होती है उसको ठीक करने का काम करता है, रेड स्किन को सही करता है, उसको मुलायम बनाता है। चौथी चीज़ जो आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच लीजिए। आप इसको इसमें मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को मिलाएं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद आप 1/2 नींबू का रस लीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए। नींबू के रस के बदले गुलाब जल भी डाल सकती हैं। मैं नींबू का जूस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके फेस पर दाने हैं तो आप गुलाब जल डाल लीजिए। नींबू के रस में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, चेहरे की रंगत को साफ करता है। अब ये सारी रेमेडीज़ को अच्छे से मिक्स करके आप कोई सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए जो चेहरे पे लगाने में आसानी करें। मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ, अपने फेस पे मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ लगाना है, फेस पे, गर्दन पे, हाथ पे लगाना है, आप उसको इस रेमेडीज़ को आप अपने फेस पे लगाइए, हाथ पे लगाइए, गर्दन पे लगा सकते हैं। स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हर कोई इसे लगा सकता है। एक कोट लगाने के बाद जब ये सूख जाए तो आप 2-3 बार एक कोट फिर दोबारा से लगाइए। 30 मिनट इसे लगाने दीजिए, रखा रहने दीजिए। उसके बाद 30 मिनट के बाद आप अच्छे से अपने फेस को ताज़े पानी से धो लीजिए। जब अपना फेस धोएंगे तो देखेंगे कितना सारा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, चेहरा एकदम चमक जाएगा, एकदम चमकदार ग्लो दिखाई देगा। मैंने भी अभी लगा रखा है तो अभी मैंने धोया नहीं है, 30 मिनट के बाद मैं इसको धोऊंगी। आप देख सकते हैं मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ये अच्छे से मैं लगा रही हूँ, मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से ही इसे लगा रही हूँ और मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। मैं अपने हाथ पे भी लगाऊंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ये अच्छे से मैं लगा रही हूँ, मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से ही इसे लगा रही हूँ और मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। मैं अपने हाथ पे भी लगाऊंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पैक आपको 2-3 बार अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको धुलना है।
देखा आपने कितनी आसान रेमेडी है ये, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 10 रुपये से भी कम में ये रेमेडी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे इसी चैनल से आप मुझे पिंग कर सकते हैं, GN Lives के नाम से। चलिए, अल्लाह।